बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार बुझने लगी हो आंखें तेरी चाहे थमती हो रफ्तार उखर रही हो सांसें तेरी दिल करता हो चित्कार दोष विधाता को मत देना दोष विधाता को मत देना मन में रखना तुम ये आस रन विजय बनता वही है रन विजय बनता वही है जिसके पास हो आत्मविश्वास जिसके पास हो आत्मविश्वास हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की नाइन्टी में आज के इस टेस्ट सीरीज़ में पचास प्रश्न वैसे लाए हैं जो आपके ज़िंदगी बदल देगा ठीक है वैसे पचास प्रश्नों का यह सेट है जो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी बदलने में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है तो देखिए अंत तक वीडियो को देखिए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए देखिए आज के पचास महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एन के साथ साथ आपको बिहार एस SI आई और अन्य एस और जो भी एग्जामिनेशन में जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं देखिए फटाफट आपको जो है शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न क्या कहता है देखिए पहला प्रश्न है प्रसिद्ध प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है वी वी आई प्रश्नों का संग्रह दोस्तों है। आए हैं वी वी आई प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपको एकदम कामयाब इंसान बनाने में यह पूरा का पूरा आपको मदद करेगा ठीक तो है, है तो पहला प्रश्न आपका है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है तो प्रसिद्ध करीबा बांध दोस्तों जांबेजी नदी पर स्थित है फटाफट अंदाज में आपको पचास प्रश्न कराएंगे अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुंचाने का प्रयास करें जिससे उनको भी फायदा मिल सके प्रसिद्ध करीबा बांध किस तो नदी पर स्थित है तो जामबेजी नदी जाम्बेजी नदी कहाँ है दोस्त जाम्बिया देश में है कहाँ जाम्बिया बस सिंपल से है एकदम आसानी से याद रखिएगा जाम्बिया देश का भी नाम है जाम्बिया नदी भी है आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या करा है दूसरा क्वेश्चन है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है एकदम देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है तो कौन सा राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर है कौन सा जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हम कई प्रश्न पूछा करते हैं वीडियो में आप लोग उसका जवाब जरूर दिया करें अभी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन बने हैं एकदम भीवी भी आया ये भी और यह जो है आपको करंट अफेयर के तहत पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाती है तो जर्मनी और पोलैंड के बीच दोस्तों जो रेखा है वह हिंडनबर्ग रेखा है कौन सा है हिडनबर्ग रेखा ठीक है हिंडनबर्ग कहिए या हिडनबर्ग हिंडनबर्ग रेखा है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी यह दोस्तों कब हुई थी 1980 में हुआ था 1980 में भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव जो है पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी पूरा पाषाण काल यह जो है आपको जो वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता है उससे पूर्व की ही है तो क्या है पूरा पाषाण सिंधु घाटी सभ्यता इन सबसे है तो पूरा पाषाण की सब सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है इसको बताना है तो पूरा पाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों की आग का आविष्कार जब आग का आविष्कार हुआ तो दुनिया जो है पूर्ण रूप से प्रकाशित होने लगा ठीक है चलिए अगला देखिए क्या कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा दोस्तों कितना पाया जाता है ये आपको सेवेंटी एट परसेंट पाया जाता है कितना सेवेंटी एट परसेंट ठीक है आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है किस नियम पर आधारित है दोस्तों यह फायराडे के नियम पर है किस नियम पर फायराडे के नियम पर याद रखिएगा फैराडे का नियम आंसर ए अगला क्वेश्चन देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसकी यह अलीगढ़ आंदोलन अठारह सौ पचहत्तर ईस्वी में हुआ था कब हुआ था अठारह सौ पचहत्तर 1875 में हुआ था ठीक है अठारह में और किसके नेतृत्व में हुआ था यानी किसने शुरुआत की थी यह जो है सैयद अहमद खान ने शुरुआत की थी कौन सैयद अहमद खान ने चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है तो ये नागर शैली का उदाहरण है आंसर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर बी नागर शैली का दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए जिससे उनको भी अधिक से अधिक फायदा मिल सके ठीक है और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए ठीक है नेक्स्ट देखिए किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी कौन से नवाब थे जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठा करके मुंगेर लाए थे तो कौन थे दोस्तों कौन थे तो मीर कासिम आंसर बी हो जाएगा मीर कासिम थे जिन्होंने अपना अपना राजधानी चेंज करके कहा से मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दमन और दीप कौन कौन सी खाड़ी को अलग करती है दमन और दीप कौन कौन सी खाड़ी को अलग करती है तो दमन और दीप जो है दोस्तों खम्बात की खाड़ी को अलग करती है किस खाड़ी को खम्बात की खाड़ी को दमन और दीप खम्बात की खाड़ी को अलग करती है अगला क्वेश्चन जो है देखिए भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी मनी ऑर्डर की मनी

तो सीमा और सियाल से पता चल जाता है आपको सिलिकन दोनों में उपलब्ध है सिलिकन की मात्रा अधिक पाई जाती है आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी वाल्मीकि रामायण जो है उसकी रचना किस भाषा में की गई थी प्रश्न ये कहता है दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई थी किस भाषा में संस्कृत भाषा में अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किस ब्रिटिश शासन के कार्य कार्यकाल में हुआ था सती प्रथा का अंत जो है किस ब्रिटिश शासन के के कार्यकाल में हुआ था तो सती प्रथा का अंत जो है आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में हुआ था किसके समय में लॉर्ड विलियम बेटिंग सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन इसी के समय में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है आपका सेवनटीन कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत में एक ही बार प्र, उप प्रधानमंत्री का जो है सो उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया था एक ही बार बार बने थे और वह फर्स्ट और आखिरी उनको कहा जाएगा तो प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने थे तो ये जो है आपको में प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था क्वेश्चन तो ये वल्लभ ये भाई पटेल थे इनका नाम था नाम था नाम से पहले जो इनको सरदार की उपाधि कौन दिया गया कौन दिया था यानी वल्लभ भाई पटेल नाम था इनको सरदार किसने कहा था सरदार कहां के लोगों ने कहा था यह हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे ठीक है कॉमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था तो ये दोस्तों 326 ईसा पूर्व में किया गया था कितने बोल रहे हैं ईसा पूर्व में किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन जो है नाइनटीन देखिए क्वेश्चन नंबर स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है फेडरल असेंबली कहलाता है क्या कहलाता है फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल फेडरल असेंबली कहलाता है एकदम याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे थे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव कौन थे गुरु नानक थे प्रथम गुरु कौन थे गुरु नानक ठीक है और अंतिम गुरु अंतिम गुरु कौन थे जरा बताइए कमेंट बॉक्स में अंतिम गुरु कौन थे एंजाइम की संरचना किससे होती है एंजाइम की संरचना किससे होती है एमिनो अम्ल से होती है दोस्तों किससे अम्ल से याद रखिएगा एंजाइम की संरचना किससे होती है एमिनो

कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है उसको किसने किस शासक ने लिखा था ठीक है उसको किस शासक ने लिखा था तो किसने लिखा था दोस्तों तो हरिसेन ने लिखा था किसने लिखा था हरिसेन हरिसेन के द्वारा लिखा गया था इलाहाबाद का स्तंभ लेख अगर क्वेश्चन देखिए शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन होता है तो जानते हैं शक संवत जो होता है वह हमारा शुरुआत होता है चैत्र से चैत्र बैसाख जेठ अखाड़ होता है ना आषाढ़ और उसके बाद क्या होता है सावन भादो आश्विन कार्तिक गन इस तरह से होता है तो ये आपका माघ फागुन और अंतिम आ जाता है फागुन फागुन आ जाता है फाल्गुन ये फाल्गुन फाल्गुन आ जाता है ठीक है फाल्गुन अंतिम में फाल्गुन होता है शुरू में चैत होता है चैत से शुरू होता है और फाल्गुन पर जाकर करके एंड हो जाता है ठीक है और देखिए ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम दलित उप मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दलित मुख्य न्यायाधीश दलित मुख्य न्यायाधीश ठीक है दलित जो है मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है चीफ जस्टिस यानी जे बी कृपलानी बने थे कौन बने थे जे बी सॉरी सॉरी कौन बने थे कौन बने थे तो ये बने थे के जी बालकृष्णन बने थे सॉरी ये के के जी बालकृष्णन बने थे कौन बने थे के जी बालकृष्णन बने थे ठीक है याद रखिएगा तो के जी बालकृष्णन अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण आप जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है ठीक है क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको आ, क्या कहते हैं जो आ, खास करके गाड़ियों और कल कारखानों के धुआं से निकलने वाला ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रमुख है ये प्रमुख है ठीक है अगला देखिए क्या है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मांसपेशियों की बात हो रही है दोस्तों मांसपेशी में कौन सा अम्ल पाया जाता है क्या इलेक्ट्रिक अम्ल ये तो नहीं पाया जाता है पायरोबिक अम्ल ये भी नहीं न्यूसिन अम्ल ये भी नहीं मायोसिन अम्ल पाया जाता है याद रखिएगा मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है न्यूसिन अम्ल अगर देखिए मैग्नीज मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उत्पादक राज्य <सद्ञ नहीं> कौन सा है यानी मैग्नीज किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो ये आपका उड़ीसा में होता है कहाँ होता है उड़ीसा याद रखिएगा मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है ये उड़ीसा अब आप लोग एक कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट में आप जवाब दें कि ब्राज़ील ब्राज़ील जो है किस प्रमुख खेत फसल खे तो के लिए जो है सो क्या कहता है जाना जाता है ठीक है प्रथम स्थान है किस फसल में ब्राज़ील का ठीक है कोई एक बताएं दो में है कोई बताएं? एक बताएं चलिए और सॉरी एक छुट गया देखिए क्या है रैयत बंदोबस्त किसके साथ किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है दोस्तों किसानों के साथ किया गया था किसके द्वारा रैयत से पकड़ सकते हैं आपके किसान ही हो सकता है नहीं किसान से ही न रैयत की वसूली होती थी तंबाकू अगला है तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान दोस्तों कौन सा बताइए दक्षिण अफ्रीका है अमेरिका है भारत है मेक्सिको है मिस्र है मेक्सिको से हुआ था सर क्या हुआ था तंबाकू का उत्पत्ति स्थान जो है मेक्सिको है ठीक है मेक्सिको याद रखिएगा और अभी तम्बाकू में जो है प्रथम स्थान पर है कौन तम्बाकू में भी आपको प्रथम स्थान पर चाइना है ठीक है चाइना है प्रथम स्थान पर चाइना है तम्बाकू में ठीक है याद रखिएगा तम्बाकू में चावल में गेहूँ में तीनों में चाइना अभी प्रथम स्थान पर है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन है कि राग भैरवी क्या है राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है तो राग भैरवी किस समय गाया जाता है तो यह प्रातः काल में गाया जाता है यानी सुबह के समय में पाँच बजे साढ़े चार बजे उठ करके और तब यह गाया था राग भैरवी जाता है ठीक है राग भैरवी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्रतिशत है ये सब लोगों को पता होगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्रतिशत अगला देखिए चुकुंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है यानी चुकुंदर कहाँ उत्पन्न हुआ था सबसे पहले चु, चु, चुकुंदर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी तो ये दोस्तों यूनान में हुआ था कहाँ हुआ था यूनान में यूनान यूनान का चुकुंदर यूनान अगला क्वेश्चन देखिए भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे भूदान आंदोलन भूमिदान आंदोलन ये दोस्तों बिनोबा भावे थे कौन थे बिनोबा भावे अगला क्वेश्चन क्या देखिए ब्राह्मणत्व ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू है जो ब्राह्मणत्व का जो यह वर्चस्व है यह किस काल से शुरू है तो यह आपको शुरू है गुप्त काल से ठीक है गुप्त काल से यह शुरू है ठीक है याद रखिएगा गुप्त काल से सेटनिक वर्सेज के लेखक कौन है देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, भी आया समझ लीजिए ये भी सेटनिक वर्स वर्सेज सेटनिक वर्सेज के लेखक कौन है दोस्तों सलमान रुसदी है सलमान रुसदी है सेटनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुसदी अगला क्वेश्चन देखिए राग यमन का गायन कब होता है जैसे आपने देखा था राग भैरवी का गायन प्रातः काल में होता था उसी तरह राग यमन का कब होता है यह बताना है तो राग यमन का जो होता है रात्रि का प्रथम पहर दैट दैट मीन्स हुआ रात्रि का प्रथम पहर का मतलब क्या हो जाता है कि जो आपको नौ बजे के बाद लगभग बा, नौ बजे तक सायंकाल आप मानते हैं और नौ बजे के बाद के समय को क्या कहते हैं राग यमन काल होगा यानी रात्रि का प्रथम काल होगा जिसमें राग यमन गीत गाया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है आलू कहाँ उत्पत्ति हुआ था आलू को आलू का निर्माण कहाँ यानी आलू कहाँ सबसे पहले बोया गया था तो चीली में गया, गया था ठीक है चीली में आलू का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था चीली अलग देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी रामकृष्ण मिशन तो राम कृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है किनके द्वारा स्वामी विवेकानंद कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद अगला देखिए अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ किसके शासनकाल में हुआ था बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था किसके समय में लॉर्ड डलहौजी के समय में लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत इसी के समय में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में क्वेश्चन एक इकतालीस नंबर देखिए इकतालीस फोर्टी वन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है लोकसभा भंग करने के अधिकार की बात हो रहा है और उसमें भी राष्ट्रपति का तो ये आपको जो है कितना हो जाएगा एटी फाइव हो जाएगा क्या हो जाएगा एटी फाइव अनुच्छेद एटी फाइव के तहत अनुच्छेद पचासी के तहत इनको यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं देखिए पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध विश्व युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वह किस वर्ष हुआ था पंद्रह सौ छब्बीस इसी में हुआ था क्या हुआ था पंद्रह सौ छब्बीस फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स में और देखिए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था ये जो दोस्तों था हेमचंद्र विक्रम आदित्य इस इनका नाम हेमू भी है क्या है हेमू भी कहते हैं हेमू ठीक है हेमू ऐसे ठीक है ना अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए फोर्टी थ्री फोर्टी फोर कहता अली अकबर खान का संबंध किससे है अली अकबर खान जो थे उनका किस किस जो है सो यह मतलब शहनाई से है सरोद से है तबला तबलाबाद से है बाँसुरी से किससे है तो यह सरोद से है याद रखिएगा सरोद अली अकबर खान सरोद के जो है बजाने वाले हैं देखिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है विश्व डाक दिवस विश्व डाक दिवस ठीक है कब मनाया जाता है तो यह आपको विश्व यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे ठीक है वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है तो ये देखिए चार अप्रैल है पंद्रह मई है बीस सितंबर है नौ अक्टूबर ये अंतिम वाला नौ अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस ठीक है विश्व डाक दिवस नौ अक्टूबर अगला क्वेश्चन ये गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था गोवा राज्य का निर्माण दोस्तों छप्पनवे संविधान संशोधन के तहत हुआ था गोवा राज्य का निर्माण इस छप्पनवे संविधान संशोधन के तहत हुआ था गोवा राज्य की बात अगर करें तो वर्तमान में भी इनके यहाँ के सीएम जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर की बात करें अगर जो गवर्नर मतलब राज्यपाल की बात करें अगर तो भगत सिंह कोश्यारी हैं कौन है भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि गोवा राज्य का जो है गोवा राज्य की राजधानी अभी कहाँ है गोवा राज्य की राजधानी कहाँ है अब बताइए सियानता की ऐसा इकाई क्या है सियानता सियानता की इकाई जो है प्वाइज है क्या है प्वाइज सियांता की इकाई प्वाइज है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था तो यह जो है आपको यह किस वर्ष किया गया था तो उन्नीस को किया गया था कब उन्नीस को अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है कि मिड नाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है मिड नाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन हैं तो सलमान रुशदी हैं सलमान रुशदी ही हैं मिड नाइट चिल्ड्रेन के भी लेखक कौन हैं सलमान रुशदी अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है निर्देश है मतलब किस किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है कि ग्राम पंचायत के संगठन किया जाए इसका जो है निर्देश किस अनुच्छेद के तहत है अनुच्छेद चालीस के तहत अनुच्छेद चालीस के तहत दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक तो जरूर पहुँचाएँ ठीक है वीडियो देखने तो लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों